जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मायापुर के दूसरे ब्लॉग में। यहाँ पे अंत किए थे और चलिए शुरू यहीं से करते हैं। आप थोड़ा सा अंदर आओगे तो यहाँ पे खूबसूरत सा आपको तालाब दिखेगा। तालाब के सामने एक भव्य बनाया गया है एक मंदिर के रूप में इमारत, जो कि आप सामने आप देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य। दोस्तों सामने आप जो देख पा रहे होंगे शिला प्रभुपाद जी का जो समाधि है, इधर जाता है वो रास्ता। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि शिला प्रभुपाद जी कौन थे तो आपको बता दे, जो शिला प्रभुपाद जी वही पूज्य इंसान है, जब टाइपराइटर या टाइपिंग मशीन नहीं था तब 10-10 हज़ार लेटर वो अपने हाथों से लिखते थे और अपने भक्तों को पहुँचाते, और ये श्री कृष्ण का गुणगान पूरे वर्ल्ड में फेमस करने वाले वो इंसान, वो पूज्य इंसान का समाधि कुछ दूर आ गए हैं। तो चलिए हम अपना सर वहाँ पे झुका के आएँ और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे दिखाने को। जैसे ही मंदिर के आप थोड़े से अंदर आते हो, यहाँ पे आपको भागवत गीता, प्रभु शिलापाद के ऊपर लिखा गया पुस्तकें और बहुत सारे फ्रेम्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जो आपको बहुत ही कम कॉस्ट में यहाँ से खरीद सकते हो। चलिए आपको एक और भव्य दृश्य दिखाते हैं जो ठीक मेरे पीछे है, और यहाँ पे तो और ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन किया गया, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया और भगवान कृष्ण का भजन को एक तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे भगवान कृष्ण का भक्ति या भजन कैसे होता है दोस्तों। तो ये रहा वो सामने का खूबसूरत व्यू, जो श्री प्रभुपाद जी का जो मंदिर है वो यहाँ है, और यहाँ आपको जो भक्ति में लीन लोग आपको दिख रहे होंगे एक भक्ति करते हुए, वैसे ये स्टैचू बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे बनाया गया है। ये खूबसूरत सा एक भव्य मंदिर दोस्तों, वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस में से ये एक है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आप वेस्ट बंगाल में आते हो ये मायापुर देखने ज़रूर आओ। सामने यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि पूरे सब कृष्ण भक्ति में लीन, और यहाँ पे कृष्ण पूजा के लिए ये जगह और भी ज़्यादा फेमस है। तो दिखा तो पाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ कृष्ण पूजा जब होती है तब यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं करता है, और इस मंदिर में भी अगर हमें जाना है तो फ़ोन का काउंटर बाहर रखा गया है, जो आप उधर सामने आप दिख पा रहा होगा वहाँ पे आपको फ़ोन जमा कर देना है, जूता चप्पल जमा कर देना, उसके बाद ही आप महाप्रभु शील प्रभुपाद पुण्य समाधि मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो चलिए फ़ोन को हम जमा करते हैं और जूते चप्पल वहाँ पे खोलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और ये महापुरुष, पूज्य महापुरुष का दर्शन करके आते हैं और अपना शीश झुका के आते हैं इनके चरणों के सामने। तो दोस्तों आप सभी से फिर से अनुरोध करूँगा कि आप सभी इस जगह पर आए और इस जगह पर आए, ये एक शांति, एक खूबसूरती का प्रतीक, बहुत ही शांत, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ आपको, मतलब एक अलग ही माहौल मिलेगा। तो इस जगह पे आप ज़रूर आएं। अली शिला प्रभुपाद के समाधि का दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और वहाँ समाधि को भी बहुत ही खूबसूरती से रखा गया और अंदर का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना तो अलाउ था नहीं, तो इसलिए अंदर का हम दृश्य नहीं दिखा पाए, लेकिन बस हम बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या बनाया गया था। गोल गुंबद में ऊपर के छत में एक खूबसूरत सा आकृति बनाया गया है कि वहाँ पर लोग श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है, और नीचे में कुछ ऐसा बनाया गया कि शिला प्रभुपाद ने अपना मतलब धर्म का प्रचार कैसे किया। आप शिला प्रभुपाद के समाधि के दर्शन के लिए जाइएगा तो वहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, वहाँ का टिकट आपका 15 रुपये के करीब लगता है, लेकिन ऊपर से नज़ारा आपको मतलब चारों तरफ का दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और साथ ही ये भी वहाँ पर बताया गया है कि शिला प्रभुपाद जी ने हमारे ये जो कृष्ण जी को जो पूरा दुनिया में किस तरीके से फैलाया है, उस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। खूबसूरत एक भव्य भगवा लहराता हुआ, बहुत ही सुंदर, जैसे इतना सुंदर कृष्ण थे वैसा ही ये मंदिर का दृश्य। और यहाँ से सामने आप जाएंगे तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी का जो समाधि है वो उनको यहाँ बनाया गया है, और ये भी बहुत भव्य है। इसी गोल गुंबद में आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहीं पे 15 रुपये टिकट है, लेकिन आपका 15 रुपये टिकट बहुत ही चीप है, और यहाँ से आपको पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखने मिलेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही जल्द ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा, और ये मंदिर जितना सुंदर है उतना ही भव्य दिखने में लगता है बाहर से भी और अंदर से भी। तो दोस्तों ये रहा इस्कॉन टेम्पल, जो कि अभी बन के तैयार नहीं हुआ है पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी इतना भव्य लग रहा है।
तो सोचिए एक बार बन जाने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों मायापुर के इस्कॉन मंदिर का ये सेकंड ब्लॉक को यहीं पे अंत करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश किया कि प्रभु शिलापाद का जो समाधि है वो कहाँ पे बनाया गया है और इस्कॉन टेम्पल दिखने में कितना खूबसूरत लगता है, आप मोबाइल या चार्जर कहाँ पे रख सकते हो या आप जूते चप्पल कहाँ पे रख सकते। अब हम देखेंगे दोस्तों कि राधे माँ का जो मंदिर बनाया गया है वो कैसा है और संध्या पूजा कैसा होता है यहाँ पे। तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थर्ड ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।